हे गाइस, व्हाट्सअप, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहरी पोस्टर लगा हुआ था वीआईपी गेस्ट लिख करके, और हम लोग पहुँच चुके थे सिवान में, जो टीएस प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक रैम शो किया गया था वहाँ पर, और वहाँ पर विकास भी आया हुआ था, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे क्रिएटर्स भी थे, बहुत सारे अलग अलग, सब लोगों से मिल करके भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात लगी कि सौम्य और अरब ने इतने अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। तो फिलहाल चलिए, आप लोग बने रहिए, हम लोग चलते हैं अंदर और आपको रैंप शो वगैरह का कुछ झलक आपको दिखाएंगे, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो वीडियो में बने रहना। और सिवान में इस तरीके का कार्यक्रम होना अपने आप में एक बहुत बेमिसाल है, क्योंकि पहले कभी कुछ ऐसा होता नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा हो रहा है। तो एक कहीं ना कहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं यार, समथिंग इज़ गोना बी वेरी स्पेशल। तो बाकी यहाँ पर हम लोग अभी निकल चुके हैं और हम लोग अभी वेन्यू के अंदर जा रहे थे। तो जैसे हम लोग बहुत लेट हम लोग एक्चुअली थोड़ा लेट पहुँचे, थोड़ा लेट मतलब 1 बजे जाना था, बट प्रोग्राम में मुझे पता है कि लेट हो ही जाता है। और जैसे पहुँचे उसके बाद ही वो लैम्प लाइटनिंग वगैरह सब कुछ हुआ। बाकी आगे आप लोग सुनिए। मैंने शो को कोरियोग्राफ किया है और आई होप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, हमारी सीक्वेंस स्टार्ट होगी। तो आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा और जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्या थैंक यू सो मच। All right. Thank you so much, Vicky, for your golden verse. Thank you so much for coming in, Sivan. Okay. Any guess? किसी को पता है? And where? Where is your hand? अगर नहीं पता, अगर पता है तो बंदे का मार तो रहा भाई। Okay. सचिन मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि इनकी YouTube पे जो है वो 1 मिलियन है, और जो है काफी अच्छे कंटेंट क्रिएटर हमारे। एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट सचिन भैया, मनीषा भाभी ऑन द स्टेज, और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और इतनी छोटी सी चीज हो गई थी, इनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो हैक हो गया था। सो जो भी अभी इनको नहीं जानते, तो लव विद मनीषा आई थिंक है ना, ये इनकी आईडी है लव मनीषा करके। सो आप उन्हें फॉलो करिए, क्योंकि जो फर्स्ट आईडी 1 मिलियन वाली थी वो है कुछ भी नहीं। सो म्यूजिक प्लीज, साउंड और
थोड़ी देर बस है, लैंप लाइटिंग करके हम इन्हें ऑनर करते हैं, फिर शो शुरू करते हैं, ओके। और मैं बुलाना चाहूँगा अनुराधा मैम को, जोरदार ताली के साथ स्वागत करके हम लैंप लाइटिंग के लिए अनुराधा मैम। चलो ओके, दो हमारे और मेंबर छूट गए, मेरे प्यारे मित्र पुडी मारिया, जो कि काफ़ी अच्छी कंटेंट क्रिएटर है, मैं इसको भूल गया, शायद गाली देगी बाद में। और हमारे भैया अरुण जी जो कि मीरगंज से आए हुए हैं, जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे इन दोनों का भी, ओके। चलिए शुरू करते हैं। टीम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दीप प्रज्वलित के लिए, ओके, यहाँ पे है, ओके गॉट इट। आप आगे आइए ना, चलिए अरे लेडीज के, चलिए डीजे वाले भैया, श्री गणेश कार्यक्रम चाहे जैसा भी हो, बिना श्री गणेश का नाम लिए हुए ना उस कार्यक्रम को शुभ नहीं माना जाता है। तो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और गणपति बप्पा, इन सब की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और यहाँ पर हम लोग लैंप लाइटिंग के लिए ऊपर पहुँचे, मैंने बोला महिलाओं को आगे रहने दिया जाए और गणपति बप्पा मौर्य हो गया आगे। बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से अच्छा फील हुआ। और अभी पिछले प्रोग्राम मतलब दो इवेंट था, तो एक रंगोली वाले में हम लोग गए हुए थे जिसकी वीडियो आप लोगों ने देखी, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। अब कैंडल लाइटनिंग के बाद सब लोग अपने शूज़ को पहनने के लिए वापस चले गए और फिर हम लोग अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ रहे थे। तो आगे आप लोग व्लॉग देखो, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। ओके, मैं चाहूँगा कि जितनी भी हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं उनका बहुत ही बड़ा सहयोग आज के इस इवेंट में, मैं उनको बुलाऊंगा ताकि हम उनको ऑनर कर सकें। द फर्स्ट वन अमित कुमार जी, जी न्यूज, जोरदार तालियां होनी चाहिए अमित कुमार जी के लिए। और उनको ऑनर करने के लिए मैं सोम्या को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। जस्ट इसके बाद हम अपने मॉडलिंग इवेंट अपने फिनाले की शुरुआत करेंगे। हम चाहेंगे सर को
सिखाया आपको? किसने सिखाया आपको? मम्मा ने यार, मम्मा के लिए जोरदार तालियां यार। मदर, माँ, वो बोलते हैं कि सबसे पहली शिक्षक जो होती है वो माँ होती है, है ना। हम चलना भी मम्मी से सीखते हैं, पहला शब्द बोलना भी माँ सिखाती है, हर एक वो काम, वो माँ के बिना हर एक चीज अधूरा है। इनकी मम्मी के लिए एक बार फिर से तालियां बजाएं जितनी भी मम्मियां हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग योर किड्स। और बताइए कैसा लग रहा है बेटा आप आज को? आप आज इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपको चल के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। आपने ना मेरा दिन बना दिया, आपसे मैंने बात कर लिया ना, सबसे बड़े आर्टिस्ट से बात कर लिया, थैंक यू सो मच। क्या बात है यार बच्चे,
देखिए छठ तो है तो गाइस वहाँ पे आधे घंटे तक बैठे हम लोग, और उसके बाद से फिर मुझे एक और शूट करना था जो कि एक कैंपेन का था। तो मैंने बोला कि यार चलो अब निकलते हैं जल्दी से यहाँ पे, यहाँ से। और निकलने से पहले फिर यहाँ पर जैसे मैं उठा ना, तब तक देखा अंशु आई, अंशु मतलब आनंदी की बहन यानी कि मेरी बहन। फिर यहाँ पर ये छठ पूजा को लेकर के इसने बहुत अच्छा एक मैसेज भी दिया, और साथ में बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ भी खिंचा रहे थे, तो थोड़ा सा देख नहीं पाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये इवेंट जो भी था। और यहाँ पर हर तरह के सब लोग, मतलब बच्चे से लेकर के जो यंग थे वो भी सब यहाँ पर आए हुए थे रैंप शो वगैरह में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी बहुत सारे परफॉर्मेंस वगैरह थी यहाँ पे, लेकिन मैं सारा कुछ नहीं देखा, बट जो भी था ऑल एट अराउंड बहुत ज़्यादा प्यारा इवेंट लगा। और यहाँ पर छठ पूजा वाला जब आया ना, तो दैट गेव अ गूज बम्प्स गाइस, सीरियसली। इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार और फ्रॉम यूपी, और छठ पूजा के गीत पे अगर आपको गूज बम सुना आए ना, तो दैट मीन्स आप थोड़े से फीके हो। तो यहाँ पर जो मनीषा की ब्यूटीशियन है, खूबसूरत ब्यूटी पार्लर, वो भी थी, तो उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत बहुत प्यार करते हैं। और आगे आप लोग व्लॉग में बनिए, हम लोग तो थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए हम लोग जल्दी से निकल रहे थे। और यहाँ पर जो छठ घाट के पास जा कर के जो अर्घ वगैरह दिया जाता है, उन चीज़ों को यहाँ पर अंशु ने दिखाया। एंड यहाँ पर दौरी घाट पे जब भी लेके जाते हैं, तो जो लोग मतलब छठ पूजा को जानते हैं वो लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये एक त्यौहार ही नहीं, आस्था ही नहीं, बल्कि हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व होता है, महापर्व से भी बड़ा महापर्व है ये। तो छठ माता सबके घर में सुख शांति समृद्धि ले आए, और सबको बहुत सारी खुशहाली दे। आगे आप लोग देखिए। ओके ओके सारे मॉडल जितने भी मॉडल थे, प्लीज वन सी वन सी वन सी लगा दे, कब का चाहिए ये घोषित कर दिया जाए। हां एक ही ये कोई काफी किया हमारे लेकिन बड़े चाहिए। आपने दिया भी तो हुआ है, आपको दिया भी ना।
वो क्या ना